तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक लेके आए हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द गैस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैटर को जो है मॉडर्न मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर दो भाग में डिवाइड किया गया था, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल प्रॉपर्टी में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, जो अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा मैटर क्या होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स किस मिलकर बना होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये हमने देखा और कुछ एविडेंस भी हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि ये सारे जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसके पास शेप भी फिक्स होता है, सॉलिड वॉल्यूम फिक्स होता है। इस मान लीजिए मार्कर है, क्या है, सॉलिड है, तो इसका शेप फिक्स है। हम आज देखेंगे तो भी ऐसा ही है, कल देखेंगे तो भी ऐसा ही है, अगर बहुत दिन बाद देखेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, और वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है। मान लीजिए हम एक लीटर का कोई बर्तन लेते हैं, तो जिस शेप का रहता है वो आज उसी शेप का रहेगा, कल भी उसी शेप का रहेगा, और अगले दिन भी उसी, जब भी देखेंगे उसी शेप का रहेगा। और वे एक लीटर का है तो जब भी उसके अंदर पानी डालेंगे वो एक ही लीटर का रहेगा, ऐसा नहीं क्या? एक लीटर का है तो सुबह में एक लीटर और शाम को दो लीटर और रात को जो है आधा लीटर का हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। जो फिक्स वॉल्यूम है तो वॉल्यूम फिक्स होगा, इसलिए सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा, कैन नॉट बी कंप्रेस, ये मार्कर है, उसको हम कितना दबाएंगे दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तीसरा, कि हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जितने भी सॉलिड होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट हमारा होता है कि डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, कंटेनर को भरता नहीं, अगर किसी ग्लास में रखेंगे तो ग्लास में इसी तरह सीधा पड़ा रहेगा, बाकी ग्लास में खाली रहेगा, उसको पूरी तरह भरेगा नहीं, कहीं भी रखेंगे तो जितना इसका सरफेस है उतना ही एरिया कवर करेगा, बाकी एरिया खाली रहेगा, इसलिए कंटेनर को पूरी रूप से फिलअप नहीं करता है। और कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता, फ्लो मतलब इसे लिक्विड बहता है, उधर ये बहता नहीं है। तो हम बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डू नॉट फ्लो, जिस तरह वाटर मेरा कहीं भी अर्थ पर कहीं भी गिराते हैं तो फ्लो करने लगता है ना, उस तरह ये का मार्कर फ्लो नहीं करेगा। तो हम सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात बारे में बात कर रहे थे कि सॉलिड कैन डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करता है। जैसे वाटर हम किसी सरफेस पर, टेबल पर या किसी भी सरफेस पर गिराते हैं तो वाटर मेरा फ्लो करने लगता है, बट सॉलिड को कहीं भी गिराएंगे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक, बाकी ये सारे जो चार प्रॉपर्टी है सॉलिड की, फिक्स है, फिक्स वॉल्यूम, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट बी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हाई डेंसिटी होता है, डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, कंटेनर को कंप्लीटली फिलअप नहीं करता है और आसानी से वो फ्लो नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में जो है हम एक लीटर वाटर ले लिए, ठीक, तो अगर किसी उसको बड़े से बर्तन में डालेंगे तो पानी उतना ही रहेगा, बस उस बर्तन का शेप का बन जाएगा। मान लीजिए आपने बाल्टी में पानी ले लिया थोड़ा सा, तो सपोज कि छोटी सी बाल्टी हो, एक लीटर की बाल्टी हो, तो उसमें पानी डालेंगे तो एक लीटर हो जाएगा, और उसी को अगर किसी बड़े से टब में डालेंगे तो टब के शेप का बन जाएगा, बट पानी उतना ही रहेगा, एक लीटर रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक लीटर पानी को टब में डालेंगे तो 10 लीटर का हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम फिक्स होता है बट उसका शेप नहीं फिक्स होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का बन जाएगा वो। दूसरा, कैन बी कंप्रेस, कैन नॉट कंप्रेस, तो कह रहा है कि लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को हम दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मॉडरेटेड हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी हाई होती है, मॉडरेटेड हाई कह रहा है, बट लेस देन जो सॉलिड, बट सॉलिड से इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, थोड़ा सा हाई होता है बट सॉलिड से इसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट, डू नॉट फिल कंटेनर, कंटेनर को फिलअप नहीं करता है, अगर हम थोड़ा सा पानी, अगर एक लीटर के बर्तन में अगर हम एक ग्लास अगर पानी डालते हैं तो एक ही ग्लास रहता है, नहीं कि एक ग्लास पानी पूरे एक लीटर को भर देगा, वो जितना पानी रहेगा उतने तक भरेगा, बाकी बर्तन मेरा क्या रहेगा, खाली रहेगा, तो कंटेनर को कम्प्लीटली फिलअप नहीं करता है। और फ्लो इजली, और वाटर तो जानते हैं कि आसानी से फ्लो करता है, सॉलिड मेरा फ्लो नहीं करता बट वाटर मेरा क्या होता है, फ्लो करता है। तो कुछ प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो नाइदर फिक्स शेप ना फिक्स वॉल्यूम, गैस के ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा बर्तन ले लिया, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया इतना, और इसमें गैस भर दिया, ठीक है, और यहां पर एक पिस्टन लगा दिया। अब क्या करेंगे, गैस को हम ऊपर से प्रेस करेंगे, जैसे आप सिरिंज देखेंगे, सिरिंज
सिरेंज क्या होता है, सिरेंज में अगर हवा भर कर हम प्रेस करेंगे, जितना प्रेस करेंगे उतना ही दबता जाएगा, उतना ही दबता जाएगा, उतना ही दबता, क्योंकि उसको हम गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। एलपीजी गैस, एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है, जो कि वो कंप्रेस कर देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब बाहर आता है तो गैस के फॉर्म में हो जाता है, ठीक ना। वहां पर कंप्रेस गैस को हम जितना चाहे उतना दबा सकते हैं। अब ये गैस यहां तक फैला हुआ है, ठीक ना, और इसको पिस्टन के द्वारा हम कंप्रेस करेंगे तो सारा का सारा गैस क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, और सारा का जो इतना एरिया कवर किया था अब वो इतना एरिया कवर हो जाएगा, और इसको और ज्यादा अगर हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारा गैस और जो है इतने छोटे से एरिया में कम हो जाएगा। तो गैस को हम आसानी से इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कैन बी कंप्रेस इजिली, आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। वेरी लो डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा कम, बहुत कम डेंसिटी होता है गैस की, लो डेंसिटी होता है। और फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, गैस को, गैस जो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगा। अगर छोटा सा, अगर मान लीजिए मैंने छोटा सा बर्तन ले लिया और इसमें गैस भर दिया, तो ये गैस पूरे बर्तन को क्या करेगा, चारों तरफ से उड़ के सारे बर्तन को फिलअप कर लेगा। और इतना ही गैस को अगर हम किसी बड़े बर्तन में, इतना ही गैस को किसी बड़े बर्तन में अगर हम डालें तो उतना ही गैस पूरे बर्तन को भी क्या करेगा, फिलअप कर देगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कम गैस है तो बर्तन में जहां जितना रहेगा उतना ही रहेगा, बाकी बर्तन खाली नहीं। गैस क्या करता है, मूव करता है चारों तरफ ना। तो अगर हम छोटा सा लेंगे तो उसको बड़े से बर्तन में डालेंगे तो उस पूरे बर्तन को फिलअप कर देगा, छोटे से बर्तन डालेंगे तो उस पूरे बर्तन को फिलअप कर देगा। इसलिए क्या है, गैस जो है कंप्लीटली फिलअप कर देता है कंटेनर को, और इजिली फ्लो, और वो तो और इजिली फ्लो करता है, लिक्विड से भी इजिली फ्लो करता है। हम यहाँ है गैस उड़कर वहां तक चला जाता है, पांडे बोर्ड तक चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा, हर जगह। तो बहुत तेजी के साथ फ्लो करता है गैस, सॉलिड हमारा फ्लो नहीं करता है, लिक्विड फ्लो करता है, और गैस जो है और ज्यादा फ्लो करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट कर लीजिए, और बाकी के टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।